आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। सागर जिले में सरपंच पति की मौत पर लोगों का आक्रोश भड़क उठा है। पहले तो स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट रेंजर को सरपंच पति की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए चकाजाम कर दिया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने भी मौके पर जाकर धरना दिया है। आप पुलिस भेज के अभी अरेस्ट करवाओ और नहीं तो मैं यहीं पे बैठता हूँ और गांव के लोगों 10,000 लोग जुटते हैं। एडिशनल एसपी साहब भी खड़े हैं पीछे। मंत्री ने धरना देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए रेंजर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल यह मामला सागर के रेहली थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम ढाना निवासी ग्राम पंचायत दिदोनिया के सरपंच पति मणिराम आदिवासी की मौत हो गई है। हालांकि सरपंच पति की मौत हृदयघात से हुई, लेकिन ग्रामीण व परिजन फॉरेस्ट रेंजर की प्रताड़ना की वजह से हृदयघात होने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि रेंजर ने फॉरेस्ट की जमीन पर जोतने का आरोप लगाकर सरपंच पति का ट्रैक्टर जब्त कर लिया था और उससे पैसों की मांग की जा रही थी। आरोप है कि एक दिन पूर्व भी रेंजर ने मिलने के लिए उसे बुलाया था, जिसके बाद सरपंच पति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज शव को सड़क पर रखकर चकाजाम कर दिया, तो वहीं मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव धरने पर बैठ गए और रेंजर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। इधर मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। आज की तारीख में अंगली। अच्छा, काय पैसे का आरोप लगाओ? वन विभाग की बखन्ने के कारण। अच्छा, जबकि तुम लोग नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर वो घर से उठा लिया ट्रैक्टर। हाँ, फिर बाद में पैसे की मांग करी? पैसे की मांग करी। कितनी? 1,00,000 रुपये। किनने करी? वन विभाग वाले ने। कौन ने? फॉरेस्ट रेंजर ने। क्या नाम उनका? नाम हमें मालूम नहीं। देवेश गौतम। अच्छा, और फिर? फिर बड़ी पैसा लेके गए। कब है? कल। कल? हाँ। हाउस उत्ती में मानी ने भी। कहाँ गए? रानगे। कितने लेके गए थे? 30,000। अच्छा, सो मानी ने। मानी ने। तो फिर जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया, ये घटना बहुत ही दुखद है और इसमें थाना सुरखी में मर्ग कायम करके और तुरंत ही इसकी जांच हम चालू करा दे रहे हैं और एक पैनल से इनका पीएम करा दिया जाएगा और जो भी दोषी हैं उन पे पूरी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द हमारे ये विश्वास है कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे। अरेस्ट सर कब तक हो जाएगी? ये अभी मर्ग कायम होके जांच हो रही है और साथ में मजिस्ट्रियल जांच का भी सर हमने बोल दिया है। आप प्राइम ऑफिस में आए हो जी? 24 घंटे में उनके आधार पर कार्रवाई करके आप रेंजर को गिरफ्तार करो।